हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीओसी विद उज्जवल 9595 पर। मैं हूं उज्जवल और आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक न्यू एपिसोड। तो गाइस, ये एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि इस एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करने वाले हैं इलेक्ट्रो आर्मी की अटैक, जिससे कि आप लेजेंड लीग में अच्छी पुशिंग कर सकते हो, वो भी 3 स्टार निकाल करके। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो जो पहली बार आ रहा है मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता ही रहता हूँ। तो आओ करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। तो इस बेस पे करते हैं हम इलेक्ट्रो आर्मी को एक्सप्लेन। तो गाइज, आप लोग को इसमें दिखेगा कि गाइज किस तरह से पहले लून, उसके बाद एक ईडी, जिससे कि फनल अच्छी बनेगी। तो गाइज यहाँ पे देखो पहले कि यहाँ पे लून ड्रॉप होगा, देख लो गाइज यहाँ पे लून ड्रॉप होने ही वाला। देख लो गाइज, लून ड्रॉप हो चुका है, यहाँ पे एक लून एक ईडी ड्रॉप हो चुका है फनल के लिए। तो साइड से एक और लून एक ईडी फनल के लिए। गाइज साइड में कुछ हो तो उसको भी ले सकता है। यहाँ पे पहले लून को ड्रॉप किया गया गाइस, उसके बाद इलेक्ट्रो ड्रैगन, क्योंकि गाइस ब्लैक माइन निकलने की चांसेस ज़्यादा होती है साइड में, इसलिए लून को पहले ड्रॉप किया गया, क्योंकि ब्लैक माइन जो होती है गाइस वो इलेक्ट्रो आर्मी को ज़्यादा इफेक्ट करती है इलेक्ट्रो ड्रैगन को, इसलिए पहले लून उसके बाद इलेक्ट्रो। तो गाइस यहाँ पे देखो अटैक, तो यहाँ पे गए स्टोन स्लैमर भी पीछे से आ गया, स्टोन स्लैमर या गए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वॉल ब्रेकर या फिर बैटल ब्लेम, बट लेकिन गए उसके सिचुएशन के हिसाब से, अटैक के सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ गए जहाँ तक ना फ्रीज स्पेल की यूज़ कहाँ करनी है, फ्रीज स्पेल को थोड़ा ध्यान से यूज़ किया जाता है गए इलेक्ट्रो आर्मी में। तो यहाँ पे देख लो फ्रीज स्पेल यहाँ पे डाल दिया गया है गीगा टेस्ला एक्टिवेट होने के कारण, क्योंकि गीगा टेस्ला बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है आर्मीज को। तो यहाँ पे गीगा टेस्ला एक्टिवेट हो गया था इसलिए यहाँ पे गाइस, और गीगा टेस्ला अफेक्ट करता है ज़्यादा फटने के बाद भी, इसलिए यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी यूज़ की गई। वार्डन की एबिलिटी इसीलिए यूज़ की गई गाइस, क्योंकि गीगा टेस्ला ज़्यादा अफेक्ट करता है इलेक्ट्रो आर्मी को। तो यहाँ पे सब कुछ सही जा रहा है गाइस इस अटैक में, आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो गाइज आप लोग कि फ्रीज स्पेल की यूज़ देख लो गाइज, कैसे कैसे फ्रीज स्पेल की यूज़ कर दिया, जहाँ ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है अगर आर्मी को, अगर आर्मी को ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है गाइज तो वहाँ फ्रीज स्पेल यूज़ कर देना चाहिए, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इन्फर्नो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था तो यहाँ पे फ्रीज स्पेल डाल दी गई। तो गाइज आप लोग देखते रहो यहाँ पे, और साथ ही साथ देखते रहो गाइज क्वीन की भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्वीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है गाइज इसमें भी, क्योंकि क्वीन से क्या होता है आप अच्छी खासी परसेंटेज निकाल सकते हो, अगर 3 स्टार नहीं भी आया गाइज तो क्वीन अच्छी खासी परसेंटेज निकाल देती है। तो यहाँ पे क्वीन को इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि साइड की क्लियर कर दे सब कुछ और डिफेंस को उलझाए रखे। तो यहाँ पे देख लो गाइज यहाँ पर डिफेंस में जो कि एक्सबो है उसको उलझाए रखा है क्वीन ने, और यहाँ पे इलेक्ट्रो अपना काम कर रही है। तो थोड़ा करते हैं इसको फास्ट गाइस इस वीडियो को, इसमें देख रहा होगा आप लोगों को 3 स्टार इजीली आ चुका है इस बेस पे, ये बेस पे 3 स्टार इजीली आ चुका है गाइस, और वो भी टनल 12 मैक्स बेस की है जिसपे कि 3 स्टार आ चुका है, वो भी विदाउट किंग। तो गाइस ये था वो अटैक जिसपे कि किया गया था अटैक, वो भी इलेक्ट्रो आर्मी से 3 स्टार निकल गया। इलेक्ट्रो आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती है गाइस लेजेंड लीग में पुशिंग करने के लिए, लेजेंड लीग में पुशिंग करने के लिए इलेक्ट्रो आर्मी से करोगे तो ज़्यादा चांसेस जाते हैं 3 स्टार के, और 3 स्टार ना आए तो गाइस 2 स्टार तो पक्का आ जाएगा इसमें, इसलिए आप लोग भी ट्राई करो ईडी अटैक को, इलेक्ट्रो आर्मी को यूज़ करो, देखो आपका कैसा होता है अटैक, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका अटैक कैसा हो रहा है। वैसे तो मेरे हिसाब से
सबसे बेस्ट आर्मी इलेक्ट्रो आर्मी है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।